प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान का असर बॉलीवुड के कलाकारों पर भी छाया। फिल्म स्टार ऋतिक रोशन और जावेद अख्तर ने भी सफाई का बीड़ा उठाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जावेद अख्तर को एक तरफ आप देख सकते हैं झाड़ू उठाए सफाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऋतिक रोशन। हालांकि आज ही उनकी फिल्म बैंग बैंग रिलीज हुई है, तो एक तरह से प्रमोशन भी और साथ ही साथ स्वच्छता अभियान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आज चलाया है उसे भी दिखाते हुए दर्शाते हुए, क्योंकि म्यूजिक का प्रयोग कर रहे हैं, संगीत का प्रयोग कर रहे हैं, वीडियो का प्रयोग भी कर रहे हैं, तो कोशिश यह है कि जागृति के लिए कोई भी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम पॉपुलर माध्यमों का प्रयोग करते हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी इससे लोग जुड़ें, क्योंकि ये राष्ट्रहित में है और हम सभी ने राष्ट्रहित में ही ये काम इसी तरह से किया है। यही सोच लेकर के जब मंत्री जी ने इसके लिए आग्रह किया तो मुझे लगा कि ये होना चाहिए और हम लोग युद्ध स्तर पर इस पर जुट गए करने के लिए। तो मेरा समय ख्याल है कि हर नागरिक का, हर सिटीजन का, हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ है, जिस जगह है, वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसको जितना अच्छा रख सके रखे। यही हम अपने देश के प्रति अगर कोई हमें दिखाना है प्रेम स्नेह आदर तो ये देखिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक झाड़ू लेके खड़े होना बहुत लोग कह सकते हैं कि ये तो मतलब ये क्या, ये तो सिर्फ एक फोटोग्राफ है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ विजुअल सिंबल। We have to become symbolic of something. Wo jo symbol hai, that stands for something greater. I want them to all to know that when you see anybody standing with a jhadu, don't look at the fact and see it in a negative way, saying that ye kya hai, jhadu leke to koi bhi khada reh sakta hai aur keh sakta hai. Lekin uski piche jo thought hai, that is what we are trying to propagate. ये बॉलीवुड के लोगों को जो आपने सुना और देखा, ये अपनी तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है और आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, जिम्मेदार होने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली में दो जगहों पर जाकर झाड़ू लगाई और सफाई अभियान में हिस्सा लिया। पहले मंदिर मार्ग थाने में झाड़ू लगाई और फिर बाद में वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू से कचरा साफ किया। इसके बाद राजपथ पर स्वच्छता की शपथ दिलाई और सफाई मार्च को हरी झंडी दिखाई। तीन तस्वीरों में आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि वाल्मीकि मंदिर सबसे पहले जाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन उससे पहले ही मंदिर मार्ग थाना औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। वहां पर गंदगी बहुत ज्यादा थी, जिससे नाराज हो गए प्रधानमंत्री। जो पुलिस अधिकारी मौजूद थे उनको डांट फटकार भी लगी, जिसके बाद पुलिस अधिकारी खुद जुट गए सफाई अभियान में। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा साइड में होइए ना सर। मैडम थोड़ा सा साइड में होइए।